वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड 28 से नंदराम पार्क में कांग्रेस नेता दीपक राजपूत के नेतृत्व में डीआर शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस नेता दीपक राजपूत ने पुतला दहन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले पर चप्पलें मारी, कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कानून व बिलों की निंदा करते हैं और कांग्रेस किसानों के हित में तब तक विरोध करती रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के 28 एस वार्ड में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कि किसान वार्डर्स पर हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक इस तरह से वो रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुतला है वो फूका जा रहा है और अपना रोष व्यक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका जा रहा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये जो मांगे हैं किसानों को लेकर के, वो किसान अपनी मांगे हैं किसानों की वो नहीं मानी जाती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये किसानों के पक्ष में फूका गया है, जो काले कानून है तीनों वापिस नहीं ले रहे, इसलिए फूका गया है पुतला। कांग्रेस हमेशा किसानों के पक्ष में रही है। आज मैं कहना चाहता हूँ, अन्याय जारी, पहले बैठ गया था और आज भूख हड़ताल में बैठ नहीं रहे, और केजरीवाल जी हैं बिल्कुल दिल्ली में, इनकी सरकार है, ये बिल्कुल नहीं इनका साथ दे रहे किसानों का, ये सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं केजरीवाल जी। आज ये पुतला दहन किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्या वजह है इसका? इसकी वजह एक तो तीनों कानून जो ये लेकर के आए हैं, एक वजह ये है। दूसरा, 60 शहीद हमारे हो चुके किसान भाई, जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो इस देश को 130 करोड़ जनता को अपना राशन हमारा तो मुहैया करा रहा है, उसके विरोध के अंदर जो इनके काले कानून है उसका रोष हम प्रकट करने के लिए मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट सर्व मान्य, उसका निर्णय हमारे लिए, हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं है। जो इन्होंने कमेटी गठित करी है वो कमेटी किसान यूनियन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। एक आधा कोई रखा है तो वो इनकी अपनी भाजपा की जो किसान यूनियन है वो रखा गया है, और जब तक ये वापसी नहीं होंगे ऐसे ही किसान बॉर्डरों पे डटे रहेंगे, और हम किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसान विरोधी बिल है, हाँ जी, उससे किसानों को बहुत नुकसान होगा और आम पब्लिक को भी नुकसान होगा। ये नहीं कि किसानों का नुकसान है, आम पब्लिक का भी नुकसान है। महंगाई बढ़ेगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही तो अनकंट्रोल हो जाएगा महंगाई पे कोई, इसलिए किसान बिल वापस लेना ही जरूरी है। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अब तो ये बहस ही खत्म हो जाना चाहिए कि किसान ये बिल है क्या, क्या फेवर में, क्या नुकसान में है। हमारे देश के सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बिल पे, जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि इस बिल के ऊपर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। तो मैं इस आप लोग के माध्यम से, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से, मैं सभी मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि अब इस मुहिम को छोड़ दिया जाए कि बिल फेवर में है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई देश में नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को सारे अधिकार दिए गए हैं, सारे डिसीजन लेने के लिए दिए गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को 2 महीने के लिए रोक दिया है तो इसी समझ जाना चाहिए कि बिल किसान विरोधी है या किसान के फेवर में है। इसीलिए मैं मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहूँगा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से, कि ये मुहिम अब छोड़ दिया जाए कि बिल फेवर में नहीं है। ऑब्वियसली बात है फेवर में नहीं है। अब ये मुहिम चलाना चाहिए कि भाई मोदी जी खुद संसद भवन में इस बिल को फाड़े और इसको कैंसिल करे, ताकि किसानों के हक में ये बिल जो खिलाफ में बनाया गया था, किसानों के हक में ये डिसीजन ले बिल फाड़ के। आज ये पुतला दहन किया गया है, प्रधानमंत्री को साफ तौर पे सीधा संदेश दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है उसको लेकर के, जब तक किसानों का जो बिल है वो वापस नहीं लिया जाता तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। ठीक है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बिल है कांग्रेस पार्टी जिस तरह समर्थन कर रही है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक किसानों के हित में जो बिल है जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, किसानों को जो 3 बिल है वो उनको वापसी नहीं किया जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इसी तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और सीधा प्रधानमंत्री से ये रोज के जरिए अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, इनका ये साफ तौर पे कहना है। कैमरामैन टिंकू के साथ मैं संदीप सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।